राष्ट्र बनाएंगे, कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब तक आते रहेंगे और बिहार से उसकी लौ जलाएंगे। आजादी की लड़ाई हुई इधर सर, और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए है, तो बातें नहीं आता इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है? आप जरा बताइए तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है? आ कोई कर सकता है? सब बिहार से करें, कोशिश करेंगे। नामकरण हुआ है बताइए साहब, आप लोग राममय कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म कर्तव्य करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ, वहाँ है बंबई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म है, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहां से आते हैं, तो सब आते हैं, तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो कुछ भी हो सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं, सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें, उसमें तो हम लोग वो करें कि बिहार से ही शुरुआत करें। देखिए बता, बिहार से ही शुरुआत करें, कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको आप तो मजबूरी है भीड़ से उठा क्या करें? तो आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? हम इसीलिए बोल दिए, आप हमसे पूछ रहे हैं।